मैं आमतौर पे सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, बट उस दिन उठने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। पर जब मैं उठा और मैं बाहर गया तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था। अरे भाई 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 भाई, मेरा नाम अविनाश है और ये स्टोरी मेरे 14 साल बाद स्नोफॉल विटनेस करने की है। शिमला छोड़े हुए लगभग 14 साल हो चुके हैं और इन 14 सालों में मैंने स्नो देखी है, पर स्नोफॉल देखने और इसको एक्सपीरियंस करने का मौका मुझे नहीं मिला। स्नो एक मैस्मराइजिंग चीज़ है, ऐसी चीज़ जिसे दुनिया में हर किसी को एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलता है। स्नोफॉल अपने साथ विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और बहुत से इंडिविजुअल फन लेके आती है, पर साथ ही साथ इसके अपने खतरे भी है। स्नोफॉल के टाइम विजिबिलिटी लो हो जाती है जिससे कार चलाने में काफ़ी मुश्किल आती है, और इसके अलावा दिन में बर्फ़ पिघलती है और रात में वो दोबारा जम जाती है जिससे आइस फॉर्मेशन होती है, और रोड पे जमी हुई आइस बहुत खतरनाक होती है। वैसे वी लिव इन अ कंट्री जहाँ ज़्यादातर स्टेट्स में लोगों को बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पाने पड़ते, इसीलिए बहुत से लोगों को आइस और स्नो में डिफरेंस नहीं पता। तो बात करें अभी की, जब मैं ये वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रोड्स 4 दिन से ब्लॉक्ड है और कोई बसेस और कार्स नहीं चल रही है। जो आप अभी देख रहे हैं हमारे गांव का मेन रोड है, और इस कंडीशन में जेसीबी के अलावा शायद ही कोई व्हीकल यहाँ तक पहुँच पाएगा। लोगों को शहर जाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल ही जाना पड़ रहा है। सो अभी का सीन ये है कि आज भी लाइट नहीं है, और अभी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं इसके लिए लाइट सोर्स है सिर्फ ये कैंडल। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो 5 दिन से लाइट नहीं थी, आज 6th डे है, आज ही लाइट आई है। इतने दिनों तक लाइट नहीं थी क्योंकि जगह जगह पर बिजली की तारें टूटी पड़ी थी और वेदर कंडीशन इतनी हार्श थी कि उन्हें ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। स्नोफॉल के टाइम इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं होती है, तो लोगों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि एक आम आदमी ऐसे में कैसे अपना समय गुजारता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे गांव में कितनी बर्फ़ पड़ी थी। अगर आप जानना चाहते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इतनी बर्फ़ पड़ी है लगभग 2 फीट। तो अब कुछ काम कर लेते हैं। जो सीढ़ियों और छत पे बर्फ है वो सबसे पहले हटानी है, तो अब पहले उसको हटाते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरी पाउडर स्नो है। बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि उसे हटाने में हमें 2 दिन लग गए, और दोनों दिन सुबह के 10 बजे से दिन के 2:30 बजे तक हमने बर्फ़ हटाई। सर्दियों में लगभग 2:30 बजे धूप चली जाती है और बर्फ़ हटाना ठंड में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो ये प्रोग्रेस है।
हीटर के बिना ऐसी ठंड में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और क्योंकि लाइट नहीं है तो शाम होते ही अंगीठी जल जाती है। और साथ ही पानी गर्म करने के लिए उस पर एक बर्तन भी रख लेते हैं जो कि हाथ धोने और बर्तन धोने जैसे कामों में आता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा दिन डिनर के साथ ख़त्म हो जाता है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि नज़ारे अभी बाकी हैं। सो आज पूरा चांद है और स्नो देखो क्या चमक रही है भाई साहब, नज़ारे। चांद की इतनी लाइट है कि कोई बोल ही नहीं सकता रात के 9 बज रहे हैं। फुल मून और वाइट स्नो मेस्मराइजिंग कॉम्बिनेशन है। कैमरा इस व्यू को जस्टिफाई नहीं कर सकता, आपको खुद ये नज़ारा देखना पड़ेगा और तब जाके आप इस चीज़ को समझ पाओगे।